बेटा बेटा जरा सुनना। जी माँ आया। बेटा मेरी आंखों में धुंधला धुंधला दिख रहा है, चश्मा पुराना हो गया है। ठीक है माँ, जब मैं ड्यूटी से वापस आऊंगा तो आपकी आंखों को एक अच्छे डॉक्टर से दिखाऊंगा। ठीक है बेटा। भैया भैया जब इस बार आना तो मेरे लिए नए कपड़े लेते आना। ठीक है बहन का, चलो तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाओ। थैंक यू भैया। बेटा हम पूछ रहे थे कि तुम्हारी बहन अब बड़ी हो चुकी है तो क्यों ना उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करा दे। ठीक है माँ, इस बार ड्यूटी से आने के बाद बहन के लिए अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करा दी। ठीक है बेटा, जब सब कुछ तुम्हें देखना है, लेकिन तुम्हारी छुट्टियाँ भी बची हुई है ना। हाँ माँ। तो क्यों ना हम लोग इन्हीं छुट्टियों में इसके लिए लड़का देख लें। ठीक है माँ, देख लें। ठीक है बेटा। हेलो हेलो, अल्फा डोमिका, अल्फा डोमिका। यस सर। मैं रणजीत हूँ यार। यस सर। आपकी छुट्टियां रद्द की जा रही है, आपको तुरंत कैंप में रिपोर्टिंग करना होगा। ओके सर। मामा मेरे हेडक्वार्टर से फोन आया था, बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है, मुझे कैंप में जल्द से जल्द रिपोर्टिंग करना होगा। चलता हूँ जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूँ तो चलूँ तो चलूँ तो चलूँ तो चलूँ है जाते और हम मुझे अब जाना होगा। मैं जाते और इस दिल में हमको छुपा के रखूं तो चलूं तो चलूं। बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है, आपको तुरंत आपके ब्रिटिश बटालियन के साथ कैंप में से मुकाबला करने के लिए तुरंत पहुंचना होगा। यस सर। आपके बेटे को मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहादत प्राप्त हो गई है। बैठ जाए।
मैं साक्षी मिश्रा कैमरा पर्सन रोहित के साथ लाइव SBBC कैंपस से। आज पूरे भारतवर्ष जिस घटना पर शोक व्यक्त कर रहा है उसी घटना में हमारी भारत माता की रक्षा करते हुए कई जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे ही हमारे भारत माता के सुपुत्र शहीद विजय महोदय को श्रद्धांजलि देने पहुंची हुई है। अभी आइए हम आपको लिए चलते हैं शहीद विजय महोदय के घर और जानते हैं उनकी माता जी की भावनाओं को। माता जी, आज पूरा भारतवर्ष सभी पक्ष एवं विपक्षी दल के सभी नेता भारत सरकार ने सभी का आश्वासन दिया है कि आपके बेटे की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे, इस पर आपका क्या कहना है? आज मैं क्या कहूँ, आज मातृभूमि का गौरव बढ़ाने के लिए मैंने अपना बेटा खो दिया। एक बूढ़ी माँ के आंखों के सामने उसके जवान बेटे की मौत होना, उसका दर्द आप नहीं समझ सकती। पर मैं अकेली माँ नहीं हूँ जिसने अपना बेटा खोया है। हजारों जवान देश की रक्षा में शहीद हुए हैं, उन्हीं में से मेरा बेटा विजय मौर्या भी है। मुझे फख्र है कि उसने हमारे क्षेत्र को गौरवान्वित किया। इसके सम्मान में मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूंगी। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें तिरंगे का कफन नसीब होता है, मेरे विजय को हुआ। मुझसे कुछ लोग कहते हैं माँ जी आपके बेटे की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, लेकिन सच कहूँ तो मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो लग रहा है मेरे विजय की कुर्बानी बेकार ही जाएगी, क्योंकि शहीदों की कुर्बानी बेकार जाती ही है। जब तक इस मातृभूमि के बच्चे चंद जमीन के टुकड़े के लिए अपने माँ बाप से लड़ते हैं, जब जब इस मातृभूमि की बेटियों को बेआबरू किया जाता है, और सच कहूँ तो शहीदों की कुर्बानी तब भी बेकार जाती है जब कुछ भारतीय छात्र माँ भारत के बगावत के नारे लगाते हैं। देशवासियों, हमें गौर करने की जरूरत है, क्योंकि हमने रंगों से मजाक बार डाले, पत्थरों से भगवान बार डाले। बांटने वाले ने चंद जमीन के टुकड़े के लिए बांटे भाई भाई, बांटने वाले ने चंद जमीन के टुकड़े के लिए बांटे भाई भाई, और माँ बाप के झगड़े ने बच्चे तक बांट डाले। देशवासियों, अगर आपको शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी ही है तो मोमबत्तियां ना जलाएं, दिल में मशाल जलाइए इस देश की और बेटियों की रक्षा की। तो आइए शपथ ले इस देश के राष्ट्रगान से, इस देश की सम्मान से और देश की रक्षा की। बैठ जाओ।